हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो पूछ ही लेती हूँ कि आप सब कैसे हैं। सो फटाफट से कमेंट बताइए आप सब कैसे हैं। सो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करें, क्योंकि हम बाहर जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए, यानी कि राशन पानी लाने के लिए। जगह है वहाँ तो राशन पानी लाने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे काम भी हैं, और देखते हैं कितना ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाते हैं। बट फिलहाल चलते हैं रिलायंस, पहले कुछ घर का राशन पानी लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं। तुम्हारे पास वॉच है पहले से ही? नमस्ते, गिफ्ट मिली हुई है। फिर कपड़े लाइफ स्मार्ट, एक कस्टमर लाइफ स्मार्ट नाम से भी कम हार्ड कार्ड स्टार्ट है। लाइफ स्मार्ट लाइफ भी करके दबा के दबा पा रहा है। आ गया है अल्फांसो मैंगो हाफ डजन ओनली 399। गेटिंग स्टॉप प्लेस से इस अल्फांसो मैंगो आ गया हाफ डजन ओनली 399। साथ में नकली फूल से कोई फायदा नहीं है, कागज से फूल खुशबू नहीं देते हैं। चलो जेटी का शॉप देख सेशन और ₹100 का कलेक्टर। तुमचा मोबाइल नंबर आए, तुम ही बैग लेके चलो, मैं तुम्हें शूट कर दूं। मशरूम गिरा दिए, ऐसे क्यों कर रहा है? मैं नहीं उठाऊंगी। तुम्हें बैग लेके नीचे तक चलो, तुम्हें शूट कर दूं अच्छे से। तुम्हें बैग लेके चलो, तुम्हें शूट कर दूं। हमारा काम हो गया है, चलते हैं अपने दूसरे ठिकाने अड्डे पे कहीं, अभी तो लोग निकाल देंगे। पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। चल दो आटा आटा पतंजलि लो। क्या लेना? आटा 10 केजी वाला ले लूँ ना? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 केजी सफिशियंट है, खराब हो जाएगा। बैठी हो क्या? मतलब कुछ लेके नहीं चलोगी क्या? कंडीशन वो जो नहीं, मैंने तो भूखे प्यासे कई दिन से बैठे हुए, इतना अन्न पानी है लेकिन कुछ खा नहीं सकती। चलो स्ट्रगल करते हुए उतरो, बोलू स्ट्रगल करते हुए उतरो जरा। अरे कैमरा के चलते कोई स्ट्रगल नहीं की हो। चलो फटाफट सामान उठाओ, चलो यहाँ से, अब थक गई। काम कुछ की नहीं, थक गई। देखने का काम किया मैंने, भरने का काम किया, और क्या चाहिए तुमको मुझसे? जाओ जल्दी से, राजे के खुल जा सिम सिम। ये क्या है, बाय वन गेट वन फ्री? मेउन आलू, मतलब आलू है क्या ये? आलू न्यू आलू मेरे घर आया है। अरे भाई साहब मराठी पढ़ लिए, नाइस। ये सब बैंक में काम करने का असर हो रहा है, जरा कहानी मत बताओ, मैं किसे मिलने जा रही हूँ बताऊंगी। शाबाश, गुड, कीप इट अप। क्या है एल्टैड जो क्या है? चलो बोलो, अपने काम में तुम माहिर हो, करो थोड़ा तेजी से काम किया करो, बिना मेरे लगे कोई काम नहीं करते हो। सो गाइस अभी हो रहे ना शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ बहुत खटर पटर की आवाज आ रही है। सो अभी मैंने ना एक रील देखा जिसमें वॉशिंग मशीन के पूरे एक एक पुर्जे को खोल देती है लेडी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई भी किया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। और मतलब मेन चीज शूट नहीं हो पाया वो ये था, ये इतना भरा हुआ था ना कचड़े से, इतना ज्यादा भरा हुआ था। मैं कितने दिन से अपने हस्बैंड को बोली थी यार किसी मैकेनिक को बुलाओ, एक बार वॉशिंग मशीन साफ करवाते, क्योंकि मैंने मेरे घर पे देखा था ये चीज की होता था। बट यार लिटरली मैंने अपने आप से खोल लिया, मैं घबरा रही, उसको इतनी बदबू आ रही थी, इतनी गंदगी भरी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं चलती देखती हूँ और भी अगर पार्ट्स मेरे से खुलेंगे ना तो मैं उसको खोलूंगी, साफ सफाई करूंगी। मैंने हस्बैंड को भेजा तो एकदम कह रहे यार इतना गंदा था कि मतलब अच्छा हो तुमने खोल के देख लिया। और मैं कब से इनसे कह रही थी यार जल्दी करो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना वॉशिंग मशीन का पानी भी आना स्लो हो जाता है और अच्छे से साफ नहीं करता कपड़ा। तो वो भी देखते हैं और क्या क्या पुर्जे मैं निकाल पाती हूँ। सी मैंने वो निकाला और यहाँ पे कितना गंदा था, अभी देखती हूँ। मैंने एक वीडियो में ही देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसे निकलता, अभी इसका नहीं याद आ रहा मुझे कैसे निकाला था उन्होंने। अभी मुझे उनकी वीडियो भी खोजनी पड़ेगी कैसे क्या किया।
कुछ तो उन्होंने किया था जो बहुत इजीली निकल गया था उनसे। तो फाइनली वॉशिंग मशीन मैंने धुल दी अच्छे से, बट जो अंदर के और पार्ट्स है ना वो मेरे से नहीं खोले, पता नहीं कैसे उन्होंने खोला था। और मैं देखूं कि मैं किसी को बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि मतलब 3 साल हो गए हैं, और मतलब 2 साल पे तो एक बार खुलवा के एक बार अच्छे से सफाई करवा देनी चाहिए थी। अभी इतना हम लोग भी आइडिया नहीं था, अभी धीरे धीरे सब चीज सीख रहे हैं। अच्छा, मेरे को याद था कि मेरी मदर करवाती थी ये चीज, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ट्रायल करते। जब मैंने वीडियो देखा तो ट्रायल किया तो खुल गया, बट उसके आगे का मेरे से नहीं खुल रहा है। सो देखते हैं उसको करवाते जल्दी। तो गाइज अभी हो रहे हैं रात के 9:30, और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे पनीर का पराठा, दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा भरा हुआ सारा पनीर डला हुआ पराठा। सो मेरी ना जो डाइटिशियन, उन्होंने बोला था कि आप 100 ग्राम पनीर जो है रेगुलर बेसिस पे लो, किसी भी फॉर्म में लो, चाहे टिक्का के फॉर्म में लो, किसी भी फॉर्म में लो। तो आप हर दिन ना तो पराठा खा सकते हो, ना तो आप हर दिन टिक्का खा सकते हो, तो इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करना रहता है। तो अभी आज कई दिन से मैंने पराठा नहीं खाया, क्योंकि हस्बैंड का पास था तो उनका व्रत का बनाना ही था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए बना देती हूँ यही। अदरवाइज पराठे में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज उसमें रोटी आटा वगैरह डालते हैं तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है। सो मैं बस ये बनाऊंगी, और यहाँ पे हल्की फुल्की वाली गर्मी है। अच्छी बात है कि दो दो बनाना होता तो बहुत गर्मी नहीं लगती है। बस इसको बना करके मैं जाऊंगी थोड़ी देर घूमने के लिए, बिकॉज आज मेरे को हो रहा थोड़ा सा मूड सी, मेरे को थोड़ा सा बाहर जाना है घूमने के लिए, और थोड़ी देर बस ऐसे ही होके आएंगे। और लाइक प्रिकॉशन के तौर पे, लाइक अभी मैं बाइक से जाना अब शुरुआत की हुई हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके सेकंड ट्राइमेस्टर के मिड तक, मतलब बोलू तो नहीं गई थी मैं बाइक से, हर जगह कार से जा रही थी, बट अभी धीरे धीरे हम लोग जाते हैं और आसपास में ही होके आते हैं, तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी आराम से लोग जा सकते हैं। तो बस जल्दी से इसको बनाती हूँ, खाऊंगी आने के बाद, बट फिलहाल अभी इसको बना के तब जाएंगे हम घूमने के लिए। तो जी फाइनली वॉक करते करते हम आ गए कहाँ पे, बीच पे। तो ये हमारा सिर्फ प्लान होता है कि हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, बट बीच पे वॉक करके तब निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हम वापस जा रहे हैं, और क्रेविंग के चलते हुए, वैसे नाम झूठ है क्रेविंग का, बट आज मैं आई थिंक 2 महीने बाद जो आइसक्रीम खा रही हूँ, मुझे याद आ रहा है। और इनका तो फास्ट खा नहीं सकते हैं, हम खाएंगे। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी क्रेविंग को जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया है ना, सच है कि मैं बाहर जाती हूँ तो बार बार ऐसे याद दिलाते रहते हैं, मत खाओ ये मत खाओ वो मत खाओ। तो फाइनली आज वो बना के मैंने खाई लिया। तो भैया फाइनली पहुंच गए घर, और बैठ गई तुम्हारी क्रेविंग? सब बैठ गई तुम्हारी क्रेविंग? यही सब अनहेल्दी खा लिया करो तुम। और एक दिन खाओ, इनको मैं इतना ज्यादा बार बार इसलिए घुमा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, वो आगे सस्पेंस है। सस्पेंस है, ठीक है, ये सस्पेंस हम खोलेंगे। थकने के बाद मैं कभी नहीं जाता शाम को घूमने के लिए। ये बात सच है, क्योंकि अगले दिन फिर घूमना ही रहता था, बट अभी कुछ बताएंगे आपको आगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? सब बहुत बढ़िया होंगे। आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह मॉर्निंग से, और मैं यूजुअल आज अच्छी नींद में नहीं सो पाई हूँ, तो आज सुबह से हम लोग उठ गए हैं। फिलहाल मेरे हस्बैंड उठे थे, बट मैं भी उठ गई आज बाहर जाने के लिए, भी बताते हैं क्यों। तो हम आज जा रहे हैं सुबह सुबह सब्जियाँ लाने, ये लाएंगे सब्जियाँ और मैं करूँगी वॉक, बिकॉज आज सुबह सुबह यहाँ पे मंडी लग जाती है, बट अभी हम फिर भी लेट हो गए हैं। और अभी हो रहा है आई थिंक कितना हो रहा है, 6:45 ना? नहीं 6:15 हो रहा है, इतनी जल्दी उठा दिए तुम मुझे। हाँ खैर मैं आज खुद से जो है तैयार हुई हूँ कि हाँ मुझे जाना है, देखते हैं सुबह सुबह माहौल कैसा लगता है हमें। सो गाइज ये जस्ट एक रैंडम व्लॉग था, मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था। और अभी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आने वाला है ना, वो बहुत स्पेशल है। कुछ अभी डिसीजन लिए मैंने लाइफ में, और उससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं, तो वो भी आप देखिएगा। इसके बाद आगे वाले जो आने वाले व्लॉग्स होंगे ना, वो थोड़े डिफरेंट होंगे, और काफ़ी चीज़ें जो मेरी लाइफ में चेंज होने वाली हैं, और हो सकता हो मुझे भी थोड़ा सा मतलब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है वो आगे वाले व्लॉग्स में मैं बताऊंगी आपको। बट फिलहाल अभी आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसके बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो लाइफ अपडेट से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को अपडेट करनी है आप लोगों के साथ में, एंड बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में, तो बस देखिएगा आगे, कनेक्टेड रहिएगा। जी फाइनली सब्जी आ गई, कितनी सारी सब्जियाँ भाई, तो आज बहुत रोकते रोकते थोड़ी सब्जी आई हैं, नहीं तो जनरली बहुत सारी आ जाती हैं, बट हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट किए ही हैं,
तो हम आएंगे, हर दिन आएंगे, सुबह उठने की वजह से हम ताजी सब्जियां नहीं ला पाते थे, आलसपन में बटा जाएंगे हम लोग। चलो चलो चलो।